दिल्ली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। शिक्षा को सीढ़ी बनाकर हर एक मंजिल हासिल की जा सकती है। शिक्षा ही वो शस्त्र है जो कठिन से कठिन दौर में आपके रास्ते की बाधाओं को काटता है। 40 लीडर्स अंडर 40 के इस अंक में कहानी बरेली की उसी शख्स की है जिसने शिक्षा को माध्यम बनाकर खुद तो कामयाबी हासिल ही की बल्कि औरों को भी उनकी कामयाब बनाने के लिए लग गया। नाम पारुष अरोरा, उम्र 40 से कम, लेकिन कामयाबी इतनी बड़ी कि नाथ नगरी के नामचीन लोगों की चर्चा पारुष के नाम के बिना अधूरी लगती है। बरेली के पद्मावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन पारुष अरोरा दो स्कूल चला रहे हैं, साथ ही एक फैक्ट्री के मालिक भी हैं। अपने शहर के प्रति पारुष का लगाव, माता पिता की सीख ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। झुमका सुरमा और गंगा जमुनी तहजीब का शहर बरेली नए दौर में नए इबारतें भी लिख रहा है। बरेली के युवा बिजनेस की दुनिया से लेकर मनोरंजन की दुनिया तक नई कीर्तिमान लिख रहे हैं और ऐसे ही युवाओं की कहानियों को साझा करने के लिए डेली इनसाइडर विशेष सीरीज लीडर 40 अंडर 40 लेकर आया है, जिसके मेहमान हमारे साथ पारुष अरोड़ा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली इनसाइडर। नमस्कार। सर, लोग आपकी कहानी आपकी ही जुबानी सुनना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम पारुष अरोरा है और मैं बरेली से बिलोंग करता हूं। बरेली में ही पैदा हुआ, बरेली में ही पढ़ाई करी। 10वीं क्लास के बाद 11वीं 12वीं करने के लिए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुछ में चला गया था। उसके बाद कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन सब वहीं से करा और 2007 से ही मैं अपने स्कूल पद्मावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की देख रेख संभाल रहा हूँ और आज की डेट में बरेली में ही कार्यरत हूँ और परिवार भी यहीं पर ही है। सर, अगर प्रेरणा स्रोत की बात की जाए तो आपके जीवन में कौन थे? अगर प्रेरणा की बात करी जाए तो मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रेरित करते हैं और आज भी करते हैं वो है मेरे पिताजी। और जब मेरी माताजी जीवित थी तो उन्होंने मुझे मेरे लिए एक बेंचमार्क सेट करा। मेरी माताजी क्यों? क्योंकि हाउसवाइफ होने के नाते जो जिस स्कूल में मैं बैठा हूँ, जिसको मैं कार्यरत कर रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ, उसकी नींव उन्होंने रखी थी, उनके आशीर्वाद ही रखी थी। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन फिर ही मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत इंस्पायर करा है। और मेरे पिताजी बरेली जब आए थे 1978 में तो मात्र कुछ 500 रुपये लेकर आए थे और आज दो स्कूल के मालिक हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है कि कठिन परिस्थिति में भी आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और मेहनत ही करनी है आपको, वो उन्होंने मुझे सिखाया है। सर, किसी भी काम में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके नज़रिए से क्या है? मुझे लगता है एक तो पेशेंस और हार्डवर्क। पेशेंस इसलिए क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जल्दी करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम अच्छा हो। पेशेंस इसलिए किसी भी काम में, चाहे किसी भी व्यक्ति में आप कोई भी व्यापार करें, कुछ भी करें, तो अगर आप पेशेंस से कर रहे हैं और हार्डवर्क उसमें डेडिकेशन लगा के बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है अच्छे से, तो वो अच्छे से ही रहता है। सर, आजकल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं रोज़गार की दौड़ में काफ़ी आगे निकल गए हैं, ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी भी देखी जाती है और बड़ी बात यह है कि वो अपने लक्ष्य से कभी कभी जो है वो भटक जाते हैं। क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ और मुझे लगता है कि युवाओं को अगर एक सही समय पर सही दिशा मिल जाए तो किसी भी नौकरी, किसी भी व्यवसाय करने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं आती है। हाँ, यदि किसी कोई युवा ऐसा है जो पहले से ही भटका हुआ है, जिसको पता ही नहीं था कि मुझे 10वीं 12वीं के बाद क्या करना है, तो उसको डेफिनेटली नौकरी में दिक्कत आएगी आएगी। तो मेरा यही एक संदेश है कि आप लोग अगर सही समय पर 14-15 साल की उम्र में अगर आप ये सोच लें कि मुझे क्या करना है और उसी डायरेक्शन में आप अच्छे से करना शुरू कर दें तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी और कोई भी कठिनाई आपको इतनी नहीं आएगी जितनी आप भटके हुए अगर रहते हैं तो। सर, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना कितना ज़रूरी रहता है आपके नज़रिए से? लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे प्रमुख रूप से मेन कारण तो ये है कि एक तो आपको एक्साइटमेंट देता है जीवन में। अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो जीवन जीने का मज़ा नहीं आता। और मुझे लगता है कि जैसे आज मैंने लक्ष्य लिया था आज से 2 साल पहले कि मैं बरेली में एक स्कूल नया और बनाऊंगा, उस लक्ष्य को पूरा करा, बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। आज भी मेरे जीवन में एक लक्ष्य ये है कि मुझे एक काम और करना है, तो उससे मेरे को जीवन में एक तो स्थिरता आती है और साथ ही साथ में एक एक्साइटमेंट बना रहता है जीवन जीने के लिए कि हाँ, अगर लक्ष्य अगर होगा और उसको आप अचीवेबल लक्ष्य है जिसको आप अचीव कर पाओ, तो डेफिनेटली एक होना चाहिए, सबके जीवन में होना चाहिए। सर, बरेली में एजुकेशन सेक्टर में आपने कई कार्य किए हैं, क्या लगता है अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वो कार्य कितने सफल हुए और आपके नज़रिए से वो कार्य अब आगे और कितने जाने चाहिए? बरेली एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है और मुझे लगता है कि बरेली में एजुकेशन में बहुत सालों से बहुत नए नए तरीके से काम हुए। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेरिमेंट करा था आज से कुछ 7 साल पहले,
हम शूटिंग रेंज लेकर आए थे, बच्चों को हमने शूटिंग सिखाई। आज की डेट में हम लोग आईटा अप्रूव्ड लॉन टेनिस अकेडमी चला रहे हैं। और बरेली में अगर बात करें तो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन में अभी भी स्कोप है, क्योंकि अगर बच्चे बरेली के बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, तो एक शहर के लिए अच्छा संदेश नहीं है जब वो एजुकेशन अब कहलाया जाए तो। इसलिए मुझे लगता है कि बरेली में भी बहुत कार्य होना बाकी है। अच्छी शिक्षा के लिए लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी मुझे लगता है बहुत गुंजाइश है और बहुत कुछ हो सकता है। सर, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति भी लाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए तमाम प्रयास भी कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है सर नई शिक्षा नीति, अगर बरेली के लिहाज से देखी जाए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखी जाए और देश के लिहाज से देखी जाए? मैंने देखा है कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों के समय पर शिक्षा के नए एक डिफरेंट व्यायाम हुआ करते थे, डिफरेंट डेफिनेशन हुआ करती थी। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, आजकल बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं वो हर कुछ कुछ सालों में चेंज होनी भी चाहिए और होना एक अच्छा इंडिकेशन भी है। क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति आती है, कोई भी नई शिक्षा जब भी आएगी, तो वो कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर समय के हिसाब से जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं उसमें बदलाव वो दिखाती है हमें। और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी क्या क्या नया हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, बिना एजुकेशन के किसी का भी भविष्य बनना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कम बच्चे ऐसे हैं जो कम शिक्षा पाकर भी सफल हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है शिक्षा एक बेस किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नई शिक्षा नीति मुझे लगता है कि बहुत अच्छी भी है और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हैं। कई सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी लेकर सरकार इसमें आई है और मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जब बच्चे हमारी जनरेशन जो आज पढ़ रही है इसका बेनिफिट कुछ सालों में देखने को मिल जाएगा। सर, थोड़ा व्यक्तिगत बातों पर भी चर्चा कर ली जाए, काम के अलावा और क्या क्या शौक़ आप रखते हैं, किस तरीके से जो है वो काम के बाद जो है वो आपका जीवन शैली जो है वो आगे बढ़ती है? मुझे कार्य के अलावा एक तो कुकिंग का शौक़ है और मेरी धर्मपत्नी और दो मेरी बेटियाँ हैं। तो मेरी बेटियाँ जो हैं वो इतवार वाले दिन वो हमसे मुझे यही कहती हैं कि पापा आज आप ही के हाथ का खाना खाना है। तो कुकिंग एक मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। और साथ साथ में मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है, तो मुझे मूवीज़ के लिए नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप जो है मूवी अकेले देखने चले जाते हो, तो मेरे को पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मूवी अकेले भी देखता हूँ, मुझे बहुत शौक़ है उसका। और कुकिंग मेरे को इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है मेरा हाथ का बना हुआ खाना खाना। तो क्या 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 सर कुकिंग में मतलब क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो नई एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी आपने एक्सपेरिमेंट की बात की तो जाहिर है कि कुकिंग में भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे। कुकिंग में अभी तो मैंने लेटेस्ट चाइनीज़ सीखा है और मेरे से अगर आप इटालियन फूड बोलेंगे तो लोग, मेरे बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो जब बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली मैं अच्छा ही बनाता हूँ। और बाकी कभी मौका मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को भी खिलाऊँगा। सर, एक सवाल और है, इस ज़िंदगी में जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं परिवार पीछे छूटता जाता है, तो आपके लिए सर क्या है कि परिवार को कितना समय दे पाते हैं, क्योंकि लगातार जो ज़िंदगी है वो तो आगे बढ़ रही है लेकिन परिवार पीछे छूटता जाता है? मेरे को 15 साल हो गए व्यवसाय में। पहले जब मैं स्कूल नया नया संभालता था तो मेरे को सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन कभी पसंद नहीं था, परिवार के साथ समय मैंने हमेशा बिताया है। और मुझे लगता है कि आज भी मैं परिवार को समय समय पर बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाता हूँ। बरेली में ऐसे लोग मेरे कई जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि तुम बच्चों के साथ अकेले चले जाते हो घूमने के लिए। तो मुझे लगता है कि परिवार एक तो सबसे बड़ा आपका क्रिटिक है, अगर परिवार आपके साथ में आप उनके साथ समय बिता रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप उनके साथ आपके व्यवसाय के बारे में, आपके निजी जीवन के बारे में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो आप अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से शेयर करेंगे, पिताजी से शेयर करेंगे। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि वो, क्योंकि सबसे अच्छे क्रिटिक होते हैं, वो आपको राय दे सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो आधा गाइडेंस तो आपको अपने परिवार के बड़े लोगों से मिल जाता है। और रही बात बच्चों की और बाकी घर के परिवार के मेम्बर्स की, तो मैं बहुत ज़्यादा समय बिताता हूँ उन सबके साथ। इतवार वाले दिन मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल भी काम ना करूँ जब तक कोई बहुत अर्जेंसी ना हो। और शाम का समय बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो उनको पढ़ाना हो, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि पूरा समय बच्चों को दूँ। सर, यहाँ तो आप बॉस है लेकिन घर में तो कोई और ही बॉस होता होगा? मैं यहाँ पर बॉस हूँ, घर पर डेफिनेटली मेरी धर्मपत्नी है खुशबू जी, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी व्यवसाय करती हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं पिछले 3 सालों से बरेली शहर में। लेकिन हाँ, वो व्यवसाय अपने व्यवसाय में वो भी बॉस है, यहाँ पर भी वो भी बॉस है और घर पर भी बॉस वही हैं। अच्छा। सर, अभी आपने व्यवसाय की बात की, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर। जैसा आपने बताया कि व्यवसाय दोनों ही लोग करते हैं, तो क्या डिस्कशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डिस्कस कितना हो पाता होगा घर पर? बिल्कुल, हम दिनचर्या तो रात को जरूर डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या रहा,
लेकिन वीकली डिस्कशन हमारा इतवार वाले दिन जब बच्चे सुबह लेट उठते हैं और हम लोग भी समय से उठ जाते हैं, तो हमारा व्यवसाय को लेकर पूरे हफ्ते की गतिविधियाँ क्या रहीं और आने वाले समय पर हम क्या नया दे सकते हैं शहर को, चाहे वो अपने व्यवसाय में वो करना चाहें या मैं करना चाहूँ। तो क्योंकि मैंने बताया कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, हम दोनों जने जानते हैं कि हमें क्या क्या कमियां हैं एक दूसरे के अंदर और कैसे आगे क्या नई चीज़ देनी है, तो हम लोग इतवार वाले दिन कोशिश जरूर करते हैं कि थोड़ा समय इकट्ठे स्पेंड करें और क्या नया दे पाएं शहर को, उस पर चर्चा जरूर करें। पारुष को परिवार का सपोर्ट है, माता पिता ही उनकी इंस्पिरेशन है। पिता के संघर्षों में पारुष अपनी शक्ति देकर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और किसी की भी औलाद जब उसके सपनों को पूरा करे तो माँ बाप के लिए इससे ज्यादा कोई दूसरी खुशी नहीं होती। पारुष में सफलता का वो पौरुष है जो हर एक युवा के अंदर होना चाहिए। नई जनरेशन को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे खुद तो कामयाब होना है, साथ में औरों को भी काबिल बनाना है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, हाजिर होंगे एक नई सफल दास्तान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली इनसाइडर। धन्यवाद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।